यू आर वॉचिंग यस टीवी। दिस इज मी योर फेवरेट रंजीत कौर विद माय प्रोग्राम बॉलीवुड गॉसिप्स। जी हाँ, ढेर सारी बॉलीवुड की बातों के साथ मैंने एंट्री कर ली है और आपको ढेर सारी जानकारियां देने वाली हूँ, क्योंकि मैंने गेड़ी मार ली है बॉलीवुड की और देख के आई हूँ कि भाई बॉलीवुड के सितारे आजकल की दुनिया में क्या कर रहे हैं। जनाब, आज की ढेर सारी जानकारियों में से सबसे पहली मैं अपनी फेवरेट जोड़ी की कर लेती हूँ। जनाब, जिनकी चर्चा काफी दूर दूर तक या फिर पूरी सोशल मीडिया पर चर्चा रहती है। जी हाँ, बिग बॉस का खिताब जीते हुए सिद्धार्थ शुक्ला और बिग बॉस में ही बने हुए हैं कपल, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौर गिल। आपको बता देती हूँ कि सुनने में आया है कि इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली है, लेकिन दावा नहीं किया जा सकता कि ये सच्ची बात है या फिर झूठी। शहनाज कौर गिल और सिद्धार्थ शुक्ला के ही एक फैन है जिन्होंने इनकी एक फोटो बहुत ही खूबसूरत बनाई है। मैं आपको बता देती हूँ कि ये रियल वाली फोटो नहीं है, इनके फैन ने ही ये फोटो को अपडेट किया है, जिसमें शहनाज कौर गिल की यानी कि माथे पर उन्होंने सिंदूर भरा है और गले में इन्होंने मंगलसूत्र डाला है। आपको बता देती हूँ कि भाई ये तो ना सिर्फ एक फैन ने ही उनकी फोटो पिक्चराइज की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी ऐसा कुछ होगा ना जनाब, पूरे सोशल मीडिया पर ऐसी खबर छा ही जाएगी, क्योंकि इनकी झलक और इनकी एक न्यूज को जानने के लिए ना सारे फैंस और सारे सोशल मीडिया पर ना आवाजाही रहती ही रहती है। तो जनाब, ये तो थी शहनाज कौर गिल की बात। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मेरे फेवरेट एक्टर शाहिद कपूर की। यू नो व्हाट, मैं शाहिद कपूर की फैन कब बनी थी, जब उनकी एक मूवी आई थी। जी, उनकी एक मूवी आई थी विवाह, जो आज भी अगर आ जाती है ना तो टीवी का रिमोट मैं किसी के हाथ में नहीं देती हूँ, क्योंकि उनकी फिल्म मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन आपको बता देती हूँ कि भाई शाहिद कपूर सारे एक्टर्स में से एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बैकग्राउंड डांसर से की थी। जी हाँ, विज्ञापन के साथ साथ ये एक बैकग्राउंड डांसर भी थे, लेकिन उनकी पहली फिल्म इश्क विश्क से इन्होंने अपने करियर यानी कि फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और उनकी फिल्म काफी ज्यादा हिट गई, क्योंकि ये एक रोमांटिक मूवी थी और इसी के साथ उन्होंने काफी ज्यादा मूवीज की जो कि काफी ज्यादा हिट हुई। एक विवाह मूवी है और एक है जब वी मेट। जब वी मेट भी काफी ज्यादा उनकी हिट मूवी में से रही है। तो यही थी एक खास बात कि भाई इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक एक्टर के तौर पे नहीं की थी, इन्होंने एक बैकग्राउंड डांसर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। तो जनाब, अभी आप देख लीजिए, ये थी खास जानकारी शाहिद कपूर की। इसी के साथ अगली खास जानकारी भी आपको बता देते हैं। जनाब, वामिका जो कि विराट कोहली और साथ ही साथ अनुष्का शर्मा की है बेबी डॉल, अनुष्का शर्मा अपनी बेटी वामिका के साथ अहमदाबाद पहुंच चुकी हैं, जहां पर विराट कोहली का टेस्ट सीरीज का मैच चल रहा है। जनाब, देखिए ना कितनी अच्छी बात है, अभी जहां पर ये दोनों गए हैं वहां पर तो मैच में तो काफी ज्यादा रंग लगने ही वाला है। और इसी के साथ आपको बता देती हूँ कि हमें ये भी उम्मीद है कि इसी बहाने अनुष्का की बेटी वामिका की फोटो यानी कि हम उनको देख भी सकते हैं, उम्मीद ही है, लेकिन ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है। तो ये तो थी बॉलीवुड की ढेर सारी खबरें। ऐसी और खबरों के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हो जाऊंगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए यस टीवी पर आपका अपना प्रोग्राम बॉलीवुड गॉसिप।